श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है अपने अनुभूतियों से ऐसा सीखना कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर सके। पर ये तभी होगा कि जब हमने जीवन में रिएक्शन करना बंद कर दिया है और सीखने की प्रक्रिया जारी कर दी। इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। वो उसके लिए यह ग्रंथ बताया गया है। तो पहले बताते हैं कि हमारे अंतकरण में आध्यात्मिक साधना के लिए जो गुण चाहिए साधन चतुष्टय वो अपने यहाँ प्रकट हो गए यदि हमने योग्य प्रकार का जीवन जिया है। तो क्या है योग्य प्रकार का जीवन? स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा, चार बातें। जो जो अपने कर्तव्य कर्म है उसको करो तो दिमाग में बोझा नहीं रहेगा। उसके बाद तपस्या, अन्य की सेवा और स्वयं के कष्ट, जिसके द्वारा आत्मविश्वास और परावलंबन ये दोनों निकल जाते हैं, इसी के द्वारा हरि परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो पहले ढूंढो भगवान कहाँ है। तो हमको बताते हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में है। तो भगवान यदि हमारे हृदय में है तो भगवान की प्रसन्नता कहाँ प्रकट होगी? वो तो अपने हृदय में ही प्रकट होगी। तो जो व्यक्ति प्रसन्न है उसी पर भगवान प्रसन्न है। हरि ऐसा जब होगा साधना प्रभवे पुंसाम, उसके जीवन में यह विवेक वैराग्य इत्यादि साधन चतुष्टय प्रकट होने लग जाता है। माने ये हम सब में है, जैसे बीज में से वृक्ष प्रकट होता है, प्लास्टिक में से नहीं, क्योंकि प्लास्टिक बीज नहीं है। तो एक एक बताते हैं। कल हमने देखा था वैराग्य, ब्रह्मादि स्थावरांकेषु वैराग्यम विशेषवनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम्। शुद्ध वैराग्य वही है कि हमारे अंतकरण में किसी भी वस्तु विषय को लेकर के एक भी कामना का उदय न हो। बहुत महत्व की बात, जितनी आध्यात्मिक साधना है वही अपनी इच्छा को पूरा करना, यही संसार है। और इच्छा के परे चले जाना यह अध्यात्म। ये दो चीजों को ले लो तो अपने अंदर झांक के देखिए हमने आज तक क्या किया। हमने आज तक केवल इच्छाओं को पूरा करना यही एकमात्र कार्य किया है। और इसी को कहते हैं रिलीजन, धर्म। धर्म में क्या है? जैसे हमारे पास पैसे नहीं तो पैसे वाले के पास जाकर के पैसे ले लेंगे। हमारे पास शक्ति नहीं है तो गुंडों के पास जाकर के शक्ति ले लेंगे। इसी प्रकार से हमारी इच्छा पूरा करने की हमें क्षमता नहीं है तो हम भगवान के पास गए और अपनी इच्छाएं पूरी कर ली। बात तो एक ही हो गई ना। इसीलिए इच्छाओं को पूरा करना यह अध्यात्म नहीं हो सकता। अच्छा महाराज, अब विवेक किसको कहते हैं? नित्यम आत्मस्वरूपम ही दृश्यम तद्विपरीतम एवं यो निश्चय सम्यक विवेको वस्तु न सवई। विवेक किसको कहते हैं? आत्मस्वरूपम नित्यम तद्विपरीतम दृश्य, केवल अपना जो स्वरूप है वही नित्य है और जो अपना स्वरूप नहीं है वो अनित्य है। अब इसमें अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना है।
तो हम में क्या नित्य है और क्या अनित्य है? तो अगल बगल की दुनिया बदल रही है तो वो नित्य नहीं है, लेकिन उसी को लेकर के कितने फंस जाते हैं और सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन ले रहे हैं। एक बात अगर की बात है, किसी मारवाड़ी के यहाँ गए हम, वहां जाने के बाद फॉर्मेलिटी, महाराज जी आप कहां से आए? तो मैंने उनका ढांचा देख करके कहा कि ये जय श्री कृष्ण ब्रांड होंगे। तो हमने कहा वृंदावन से। अच्छा वृंदावन रहते थे? वृंदावन कितना बदल गया है ना, 40 साल पहले क्या था और आज क्या है। तो अब इस वाक्य से क्या निकला? तुमने कहा बाबू जी इधर आओ। हम उनको ले गए सिंह के सामने, हाथ धोके वहां दर्पण है, दर्पण के देखो 40 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? केवल दुनिया का तात्पर्य बाहर का नहीं, दुनिया शुरू होती है अपने देह से। यदि देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो दुनिया कहां है? तो तद विपरीतम हमारा जो स्वरूप है उसको छोड़ करके सब कुछ बदलता है। तो एवं जो निश्चय करना कुछ नहीं है, केवल यह अपनी वास्तविकता है जिसमें दृढ़ निश्चय कर लेना है और कुछ नहीं करना। और यदि ये हमने स्वीकार किया तो फिर हर एक अनुभूति में अब ये जो गणित है उसको लगाना शुरू कर दो। गुस्सा आने के पहले हम थे, गुस्से में हम है, गुस्सा चला गया तो भी हम जो कहते हो, तो यह गुस्सा जो है ये मैं नहीं हूं। गुस्सा मैं नहीं हूं तो गुस्से के साथ तादात्म्य क्यों करूं? जैसे जैसे ये चिंतन सूक्ष्म होता जाएगा तो व्यक्ति अनित्य वस्तु के साथ तादात्म्य करने का जो स्वभाव बन गया है वह स्वभाव खत्म हो जाएगा। अध्यात्म का तात्पर्य स्वरूप को प्रकट करने के लिए अपने स्वभाव के परे चले जाना, इसको कहते हैं अध्यात्म। और हमारा स्वभाव कैसा है? ये भगवान ने दिया हुआ नहीं, ये अपना बनाया हुआ है। तो अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद, उसको हम बदल नहीं सकते। अपना जो स्वभाव है काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य, इनके प्रभाव में आकर के इनके साथ तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी स्त्री पुरुष जवान बूढ़ा सुंदर इत्यादि मान लेना, ये तादात्म्य करने का स्वभाव हो गया। तो जो वस्तु अभ्यास से निर्माण होती है उसको कॉन्ट्ररी अभ्यास करने से ही नष्ट किया जाता है। तो क्या साधना होगी? एवं दृढ़ निश्चय हा सम्यक। अब इसी पर ध्यान दे, जो आता जाता है वो हम नहीं हो सकते, जो कभी आया नहीं जो कभी गया नहीं वही अपना स्वरूप है। तो ऐसा करने से जगत की किसी भी वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति इनको लेकर के हम प्रभावित होना कम होने लगे। इसी को कहते हैं विवेक का उदय हो गया। ये दोनों को इकट्ठा कर लो, विवेक और वैराग्य को। वैराग्य दो प्रकार से होता है। एक प्रकार से ये है कि चीनी खाओगे तो मरना पड़ेगा क्योंकि डायबिटीज बहुत है। चीनी खाओगे तो तुम्हारे सर को गैंग्रीन होगा तो सर काटना पड़ेगा, इतना भयानक है। अच्छा बंद कर देते, चीनी से वैराग्य हो गए। ये वैराग्य टिकेगा थोड़ी, इसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है कि इंजेक्शन लेकर के बढ़े खा जाए। और दूसरा वैराग्य है समझदारी से, जहां हमने जगत को समझदारी के द्वारा त्याग दिया है उस त्याग में कष्ट नहीं होते। और समझदारी को कहते विवेक। तो विवेक और वैराग्य इन दोनों का क्या संबंध हो गया? संबंध ये हो गया,
विवेक की परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। ये दो बातें नहीं है, एक ही बात है। तो जहां विवेक होगा वहां वैराग्य स्वाभाविक है। तो जीवन को चलाना है विवेक से, इसीलिए भगवान द्वितीय अध्याय में कहते हैं बुद्धो शरण मन्विच कृपण अपने समझदारी की शरण ले लो, अपने राग द्वेष की शरण मत लेना। इस प्रकार से विवेक वैराग्य हमारे हृदय में प्रकट हो गया। अब उसके बाद समाधि षटक संपत्ति, षटक माने छे, सड़क संपत्ति नहीं। तो पहले दम साधना बता, सदैव वासना त्याग क्षमो यमिति शब्दित निग्रहो प्राय बाह्य वृत्ति नाम दम इत्यभिधीयते। तो पहले शम बताते हैं, सदा एव वासना त्याग शम इति शब्दित। शम शब्द का अर्थ क्या है? अपने अंतकरण में उठने वाले वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होने से इनकार करना, उसको कहते हैं शम साधना। मन में कोई भी वृत्ति निर्माण हो जाए, क्या हम उसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं? इधर ध्यान, जहां हम इसके बारे में सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, वहां देखेंगे अपने आप मन शांत रहता है। कैसे? जब अन्य विषय हो गए तो आगे बड़ी एक्टिव हो जाएगी, कौन है कौन गया कैसे आया कैसे गया। यदि अन्य के बारे में विचार हो गया, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, तो मन बड़ा सतर्क हो जाएगा। लेकिन आंखों को यदि आंखों पर लगाओ तो दृष्टि शांत हो जाती है। इसी प्रकार से मन को मन पर लगाओ। हम लोग मन के द्वारा जगत में कार्यरत रहते हैं, ये नहीं करना है, मन के ऊपर कार्य करना है। वी फंक्शन थ्रू द माइंड इन द वर्ल्ड, फंक्शन इन सच ए मैनर दैट यू आर वर्किंग ऑन द माइंड। मन पर कार्य करना, मन से नहीं कार्य करना। इसीलिए अपने सदैव वासना त्याग, ऐसा एक ट्राई करके देखो, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक साधना। आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? मिठाई। तो एक महीने के लिए नियम ले लो, एक महीने तक कोई भी मीठी वस्तु नहीं खाएंगे। आप देखेंगे एक महीने तक आपके जीवन में पूरे विश्व की मिठाइयां भिन्न भिन्न रूप लेके आ जाएगी। और फिर आपके मनीराम आपको सजेशन देंगे, ये तो मैंने ही डिसाइड किया है और किसे डिसाइड किया, अगले महीने से लागू, अभी खा लो। अपने संकल्प का जो व्यक्ति अनादर करता है उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। दो बात है, ज्ञान और क्रिया। ज्ञान जब क्रिया में प्रकट होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है, पर जब ज्ञान अपने ही द्वारा निगेट किया जाता है तो आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जैसे ज्ञान ये है कि ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए, ज्ञान अब यही बताने के लिए ज्यादा बकबक कर रहे हैं। और फिर सोचेंगे कि देखो पता नहीं लोग मुझे अवॉइड क्यों करते हैं, ये अनावश्यक बोलने के नहीं, ये तो मुझे मालूम है, मैं भी प्रवचन में यही बताता हूं। जब ज्ञान अपने जीवन में प्रकट नहीं होता क्रिया के रूप में, तो धीरे धीरे हमारा स्वयं पर जो विश्वास है वो खत्म हो जाता है। और जिसका आत्मविश्वास खत्म हो गया है वो जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं। इसीलिए सदा एव वासना त्याग। तो हमारा ध्यान इधर ही रखना है कि पहले हमारे मन में
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट इरप्शंस, हमारे मन में कितनी वृत्तियां उठती है पर सेकंड। पहले इधर ध्यान, तो पहली साधना हो गई कि अपने मन में ये जो वृत्तियों की तादाद है इसको कम करना है। तो उसको करने के लिए क्या करें, फिर शांत बैठ करके फिर अब वृत्तियों को गिनना शुरू कर। ओम श्री राम जय राम जय राम, एक उंगली पर। ओम श्री राम जय राम जय राम, ऐसा आधे घंटे तक करो ना, तो मन की जो विचार करने की स्पीड है वो स्पीड धीरे धीरे कर। अभी कैसे इसका जैसे पांच लोगों जा रहे, यहां तो दूसरा ट्राई करो, सुबह उठ करके हाथ होकर के शांत बैठो कहीं भी कुर्सी पर, जिस पर मन बैठना सो जाओ या भगवान के सामने, और बहुत धीमे धीमे अपने श्वासों का या अनुलोम विलोम करो, बहुत धीमे, इतना धीमे कि एक अनुलोम विलोम करने के लिए एक मिनट या एक मिनट से कम लगे, तो उसके द्वारा आपके मन की जो स्पीड है गति है उस पर नियंत्रण आने लगे। तो मन के वासनाओं का त्याग करना या नियंत्रण करना, पहले उसकी गति में हम ऊपर लाना, जहां जहां डिस्टर्ब हो वहां ये करते रहे। गुस्सा आया तो धीरे से ध्यान जल्दी जल्दी नहीं। फिर दूसरी बात होती है, हमारे मन में जो विचार है उनकी दिशा किधर है। एक तो हो गई गति, दूसरी हो गई दिशा। तो आप देखेंगे हमारे विचारों की दिशा उन्हीं वस्तुओं के प्रति होती है जिनको हमने अनावश्यक महत्व दिया है। तो ये दिशा में परिवर्तन लाना है, पहले गति में परिवर्तन या कम करना, दूसरे दिशा में परिवर्तन। दिशा में कैसे परिवर्तन लाना है, एक जीवन का नियम बनाओ, अपने प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होते हैं ये हमको सीखना है, ये हमको सीखना। हरे जैसे बिजनेसमैन को फोन होता है, हरेक इंटरेक्शन में किसी के भी साथ, बाबा जी के साथ भी किसी के भी साथ इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, क्या होता है भगवान का नाम लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो जैसे बिजनेस वाला आदमी हर एक इंटरेक्शन में केवल पैसे की ही सोचता है, इसी प्रकार से अपने हर एक अनुभूति में परमात्मा किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, इस प्रणाली को कहते हैं विचारों की दिशा बदलना। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, वो विचारों की दिशा बदलती, उन्होंने ऐसा भगवान के कहने पर कहा होगा ताकि मैं उनसे विवरत होकर के भगवान के चरणों में समर्पित हो जाऊं। कबीर जी महाराज कहते हैं, निंद कनियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन। अपने आप मन निकल जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी ने हमारा कुछ बुरा कहा कुछ किया तो हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और बहिर्मुखी हो गए। तो पहले तो हो गया मन में जो विचारों की संख्या है उसको कम करना, दूसरे मन की जो दिशा है बहिर्मुखी उसको अंतर्मुखी बनाना, और जो अंतर्मुखी होने लग जाता है ना उसमें दुनिया में हर जगह जोक नजर आता है।
मुक्त करके अपने इंडिया में ऐसे में वहिंद हो गया है। रोज रोज मुझे ऐसे ऐसे भयानक विभाजन हुआ है, कई फोन नंबर को मैंने बैन कर दिया, मेरे इस फोन से कुछ आता है तो डिलीट, वो पहुंच नहीं सकते। तो जब आप एक आध न्यूज पढ़ते हो सुनते हो तो उसमें आनंद जो आता है, वह आनंद कहां से आता है? वहां कुछ भी तो नहीं हुआ, फिर आनंद कहां से आया? एक सज्जन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान तुमने बचपन दिया छीन दी, जवानी भी दी छीन दी, पैसा दिया वो भी छीन दिया, ये कैसे टूट गए कि तुमने ही मुझे बदली दिए? आप जो आपको खुशी हुई, ये खुशी कहां से आई? क्या आपने बदली का त्याग किया है? केवल इन विचारों के द्वारा आप बहिर्मुखता से उपरत हो गए और अंतर्मुखी दो क्षण के लिए। तो दो क्षण के लिए जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो ये आनंद है जो नित्य निरंतर अंतर्मुखी रहेगा, उसके जीवन में दुख का प्रसंग आई नहीं सकता। सदैव वासना त्याग क्षमा इति शब्दितः। तो एक तो तादाद होगी विचारों की, दूसरी दिशा होगी। अब तीसरे विचारों का विषय कौन सा है? क्वालिटी ऑफ थॉट। जगत यदि विषय होगा तो हम भटकेंगे, और यदि अपना स्वरूप विषय होगा तो हम चिंतन करने में लग जाएंगे, चिंता नहीं करेंगे। अन्य के बारे में चिंता होती है और स्वयं के बारे में चिंतन होता है। तो जो व्यक्ति आत्मचिंतन में लगा है उसको जगत की चिंता करने के लिए समय ही नहीं मिलता। तो क्षम शब्द का अर्थ क्या हो गया? सदैव वासना त्याग, माने हम अपने मन पर कार्य कर रहे हैं। वी आर एक्टिंग ऑन द माइंड, we are not acting by the mind। ये हमने आपको कई बार बताया है कि हम अपने पूरे जीवन में अपने मन पर कितना कार्य किए, घर को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, सोसाइटी में पोजिशन को देखते हैं, बैंक बैलेंस को देखते हैं, लेकिन मनीराम का क्या हाल है कभी देखा है? जो अपने मन के तरफ ध्यान देता है वह साधन। तो पहले हमको समझना होना है, मन के बारे में सावधान होना है, उसके बाद उन्मना होना है, और उसके बाद अमना होना है। उसी को न मन कहते चार से। तो सदैव वासना त्याग शमोयाम शब्दितः। अब दूसरी जो क्षण का संपत्ति है वो है दम निग्रहो बाह्य वृत्ति नाम दम विधीयते। बाह्य वृत्ति होती है इंद्रियों के माध्यम से, तो क्षमा ये मन का निग्रह है और दम जो है वो इंद्रियों का निग्रह है। और इंद्रियों का निग्रह कहां से शुरू होता है? अपनी जबान से। वो अपनी जो युवा है और रसना, इसके दो नाम है, एक है जिह्वा एक है रसना। जब ये चखने का काम करती है तब इसको रसना कहती है, और जब ये बोलने का काम करती है तब इसको जिह्वा कहती है। जिह्वा की जो अधिष्ठात्री देवता है वो अग्नि है, और रसना की जो अधिष्ठात्री देवता है वो वरुण देव है, दोनों अलग। ये हमारी जिह्वा क्या हो गई? टू इन वन, बोलने का भी काम करती है, चलने का भी काम करती है। तो साधना कहां से करनी? इंद्रियों का निग्रह करना है। शुरू हो जाओ अपनी वाणी से कम बोलना।
और ये स्वाभाविक हो जाता है। एक चीज आपको बताएंगे, आपको शायद पता हो ना हो, कई लोगों का ऐसा ऐसी समझ है कि भगवान रमण महर्षि 18 साल तक मौन में रहे, ये गलत है। मौन में नहीं रहे, उनसे किसी ने बात ही नहीं करी, तो ये भी किससे बात करेंगे? हमारी भी तो वही स्थिति है, कोई उनसे बात नहीं करता, फिर हम स्वावलंबी। महाराज, जब व्यक्ति स्वाभाविक मौन हो जाता है तो वहां परमात्मा तो मौन प्रकटित पर ब्रह्म, जो मौन में प्रकट होता है वो परमात्मा है। इसलिए निग्रह बाह्य वृत्ति ना, बोलना और खाना, इन दोनों पर निग्रह धीरे धीरे शुरू। और ये करने के बाद आप देखो कैसा होता है, हमको हर एक विषय का दर्शन होने के बाद उसके ऊपर भी टीका टिप्पणी करना, उसको इवैल्यूएट करना, उसको लेबल लगाना, उसकी उपयोगिता क्या है, ये चार चीजों में हमारा मन एकदम लग जाता है। किसी भी वस्तु का ग्रहण हो गया, जैसे एक फूल है, उस फूल को एकाध भगवान के भगत ने देखा तो वो फूल देकर के आगे नहीं जाएगा, इधर उधर देखेगा, कोई देख तो नहीं रहा है, क्या करे। एक बार लोनावला में एक अम्मा आई मेरे पास और हमारे वहां गार्डन में बहुत ही सुंदर बगीचा है, बढ़िया बढ़िया फला है। तो जब कमरे में आ रही थी तो उसने एक तोड़ा और मैं अंदर बैठा हुआ, अब आगे स्वामी जी गुड मॉर्निंग, तो मुझे कह दिए स्वामी जी आई रियली लव फ्लावर्स, ऐसे प्लीज डोंट लव मी। लेकिन मुझे फ्लावर को लव की है तो तोड़, मुझे लव करके खड़ा ऐसे मत करना, वो लव इज नॉट डिस्ट्रक्टिव। ऐसा क्यों होता है? किसी भी वस्तु को देखना मन का एक्शन शुरू हो गया, इसको तोड़ करके भगवान को चढ़ाएंगे तो पुण्य लगेगा, अपने प्रेमिका को देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। इसीलिए मन को जिसने दर्पण तुल्य रखा है उसी का दम या इंद्रिय निग्रह हो सकता है। फिर भी काम करने वाला इंद्रिय नहीं है, मन है। जैसे आंखों ने पुष्पों को देखा तो आंख थोड़ी जाके तोड़ेगी, उसको तोड़ने के लिए मणिराम कहेंगे चलो महाराज, फिर पैर चलने लगेंगे, फिर कहेंगे तोड़ो महाराज, फिर हाथ तोड़ने लगेंगे। इसीलिए बाह्य वृत्ति नाम निग्रह जगत में किसी भी वस्तु व्यक्ति को देख करके सुन करके जान करके उस पर टीका टिप्पणी करना शून्य। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का जो अंतिम उपदेश दिया है उद्धव जी को, वो उपदेश अपने जीवन में उतारना। भगवान कहते हैं कि जगत में ऐसे रहो कि किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। दूसरी बात, जगत में ऐसे रहो कि किसी को अच्छा मत कहो या किसी को बुरा मत कहो। तीसरी बात, ऐसा इसलिए कि जिसको हम आओ जाओ कहते हैं, अच्छा बुरा कहते हैं, उसको हमने सत्य मान लिया है। तो हम जो जिस वस्तु पर टीका टिप्पणी करते हैं उसको हमने सत्य माना है, यही तो संसार है। देखो, हमने कभी अपने परछाई पर टीका टिप्पणी करी है क्या? यदि हमारे परछाई के ऊपर से एक गार्बेज का ट्रक निकल जाता है तो उसका कभी डिस्कशन किया है? यदि हमारी परछाई शिवलिंग पर जाके पड़ती है तो क्या हमने इसके बारे में सोचा है?
यदि हमारी परछाई पर एक कुत्ता आकर के गुण बधा गुण विलम्ब कर देता है तो हम क्या वहां से भाग जाते हैं। इसीलिए कि परछाई को हमने सत्य स्वीकार नहीं किया। जो जो लोग इधर में सीरियस होकर के रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते, डिप्रेशन इज अ लग्जरी ऑफ द फिल्दी रिच एंड इंटेलेक्चुअल। सिंपल टन होते वो दूसरे को डिप्रेशन में पड़ना, क्योंकि हमेशा टिकाने पड़ी जरूर जाती है दुनिया, ये दुनिया ऐसी है इसके चक्कर में मत पड़ना। कल परसों मुझे कोई मिल गया है और लड़के लड़की की शादी हो रही थी, अब दोनों डिफरेंट है। अब मुझे पूछते स्वामी शादी कराए कि ना कराए, मैंने कहा मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कर क्या सकते हो। तो मैंने लड़की को पूछा तुम्हारे माँ बाप का क्या कहना है। मेरे माँ बाप ने कहा है कि उसके लड़की के माँ बाप दुखी नहीं होने चाहिए। लड़की के माँ बाप का तुम्हारा क्या कहना है, लड़की दुखी नहीं होनी चाहिए, लड़का दुखा हो गया चलेगा, लड़का दुखी हो गए चलेगा, लड़की दुखी नहीं होनी चाहिए, हर एक को सुखी रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने कहा मैं आपको एक कंदूल बता रहा हूं, आज तक जगत में कोई किसी को सुखी नहीं रख सकता। यदि इसको लेकर के आप चलने वाले हो कि पति पत्नी को सुखी रखेगा, पत्नी पति को सुखी रखेगी, तो आप अपने माँ बाप से पूछ लो। दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ सुखी है इसलिए नहीं रहते, दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं इसलिए नहीं रहते, टॉलरेट कर सकते हैं इसलिए। किसी को कहते दीक्षा आध्यात्मिक साधना निग्रह बाह्य वृद्धि नाम दमय इत्यादि नहीं है, दो हो गए आप इसी बात कराते हैं। विषय क्या परावृत्ति परम उपरती ही सा क्षमा दम उपरती, उपरती किसको कहते हैं, रति माने रमण करना और उपरती माने विड्रॉ करना। तो विषय क्या परावृत्ति, अब हमारा जो मन है इंद्रियों तक ही जाता है, इंद्रियों के परे नहीं जाता। इंद्रियों तक जाने का तात्पर्य क्या है, एक समय लेना, यह टेक्निकल चीज है हमारा, मैकेनिकली साधना नहीं होती। जब हमारा मन आंखों से निकलता है, रूप रंग को देखता है, तो मन केवल इंद्रियों तक सीमित है। उस वस्तु का दर्शन होने के बाद जब जो टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है तो हमारा मन इंद्रियों से हट करके अब विषयों में भटक रहा है। इधर विषय ध्यान परावृत्ति, तो मन के दो कार्य हो गए, एक को विषय को ग्रहण करना इंद्रियों के माध्यम से, जैसा विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसके अनुसार श्रवण शक्ति या त्वचा या आंखें इत्यादि उसके इंद्रिय है, तो तब तक के हमारे मन की स्थिति विषयों का दर्शन कर नथिंग रॉन्ग। अब उसके बाद हमारा मन विषयों में भटकने लगे, तो वहां साधना बताते हैं विषय भ्या परावृत्ति परम उपरति ही सा, इसको कहते हैं आंखें बंद करके बैठना नहीं, इंद्रियों को नष्ट करना यह साधना नहीं, यह रोग है। इसीलिए जगत में खूब रहना है लेकिन ध्यान इधर देना है कि हम कहां तक जाते हैं। दस फार नॉट पर एक लाइन खींच देनी है, कौन सी लाइन, मैक्सिमम इंद्रियों तक आए, इंद्रियों से जगत का दर्शन किया,
जगत में व्यवहार किया, लेकिन इंद्रियों के साथ रहने के पश्चात जो विषयों का ज्ञान हो गया तो उस विषयों में भटकने नहीं लग गए, उसको कहते हैं परमवृत्ति। अब जब जब हमारे मन में विषय विचार आते हैं ना, उधर ध्यान, विचार किसके आते हैं? विचार आंखों के नहीं आएंगे, आंखों के द्वारा जो रूप रंग देखा था उसके विचार आएंगे। दस बारह लड़कियां देख ली, अब इसमें से एक चीज करनी है, इसके साथ शादी करो, ये अच्छी है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है, ये पढ़ी लिखी है लेकिन बेवकूफ है, मन प्रतिदीक्षा किसको कहते हैं? सहनम सर्व दुखानाम प्रतीक्षा सा शुभामता, सर्व दुखानाम सहनम। स्त्री को कहते हैं शक्ति, शक्ति रूपिणी स्त्री। पुरुष क्या है? सहन शक्ति। तो सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करने की जो क्षमता है उसको प्रतीक्षा। जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब आप में कोई कोई ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि वहां ठंडक ज्यादा है, तो अपने आप को पकड़ के बैठे 15 मिनट 20 मिनट, सहनम सर्व दुखान, किसी की घुटने दुखते है, किसी की कमर दुखती है, कमर अपने बैठे है, आधा ध्यान घुटने में आधा कमर में, बाकी बचा बुझा है। सहनम सर्व दुखाना, विवेक चूड़ामणि में इसकी परिभाषा बताते हैं और इसमें एक दो शब्द आए करते हैं, सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार नहीं करना है और चिंता विलाप रहित, कंप्लेन भी नहीं करनी है। तो इसको ट्राई करो, कंप्लेन करना बंद करो। एक जगह एक म्युनिसिपैलिटी में लिखा हुआ था, आपके कंप्लेन यहां डाले, हाँ एक पैरो दिखाया था, कंप्लेन बॉक्स सीलिंग के पास था। तो पहली कंप्लेन उसमें कैसे डाले? कंप्लेन करना बंद कर दो, सहनम सर्व दुखाना। जीवन में दुख आते हैं, इसका एक ही अर्थ है कि हम जिंदा है, मुर्दे को दुख नहीं होता। सहनम सर्व दुखाना इसको कहते थे, क्योंकि हम तपस्या जो देखते हैं ना, तपस्या में क्या करते हैं, जैसे अब हम एक व्रत लेते हैं, केवल दिन में एक बार खाना खाए, और कितना खाना खाएंगे? जितना जप होगा। चैतन्य महाप्रभु की पत्नी सुप्रिया, उन्होंने जब उनके पति चले गए थे भगवान के चक्कर में, तो उन्होंने व्रत लिया कि मैं महामंत्र का जप करूंगी, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो महामंत्र का जप नहीं करते, उसको उठा कर दे, फिर उसके साथ एक चावल का दाना, फिर दूसरे बार हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा चावल का दाना। तो जितने चावल के दाने भगवान के नाम के साथ जुड़ेंगे केवल उतने ही हम खाएंगे। बाकी व्रत में क्या किया है? अपने आप को कष्ट दिए, और क्या है? तो कष्ट देने के लिए ही तो व्रत लेते हैं। कोई ऐसा कहेगा मेरा तो ये व्रत है, मैं ठीक टाइम ठीक से खाना खाता हूं, सोता हूं, वो कष्ट इनवाइट करने के स्थान पर पति पत्नी होते हुए भी प्रसन्न न हो, इससे बड़ी कोई दीक्षा नहीं। एक दूसरे के साथ
रहने में खुश होते हैं, फिर भी कंप्लेन ना करे सहे। अब आगे कहते हैं श्रद्धा किसको कहते हैं, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति श्रद्धे की श्रद्धा। निगम आचार्य वाक्येषु पुराण में कहते हैं कि जो शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सती यया वस्तु उपलब्धते। यहां भी वही कहते हैं निगम आचार्य वाक्येषु भक्ति, शास्त्रों में जो कहा है और जो आचार्य ने हमको बताया है ये किस प्रकार से सत्य है, किस प्रकार से स्वीकार करके अपने जीवन में उतारने की जो आंतरिक इच्छा और क्षमता है उसको कहते हैं श्रद्धा। बिना श्रद्धा के हम जगत में एक क्षण भी नहीं जी सकते। जैसे अपने यहां कहीं भी बोर्ड वगैरह नहीं होते क्योंकि कहां जाना है, क्योंकि जहां भी कोई बोर्ड होगा डायरेक्शन उसके ऊपर भी किसी पॉलिटिशियन का चित्र चिपकाया होगा, वहां तो नहीं जाना। वैसे एक बार हम कहीं जा रहे थे और हमारा ड्राइवर भूल गया, हमने कहा भाई किसी को पूछ लो, नहीं नहीं मुझे मालूम है, हमने कहा बेटी इशू करने की क्या बात है, मैं पूछ लेता हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, एक बड़ी बात दुबे में हाथ में लोटा लेके जा रहा था, हम लोगों का हमने कहा महाराज जी ये रास्ता किधर जाता है, उसका विवेक इसको कहते हैं। उस समय जब हाथ में लोटा था और पेट में प्रेशर था तब उसने मुझे कहा रास्ता कहीं नहीं जाता, आपको कहाँ जाना है। कितनी बड़ी बात है, किसको कहते विवेक, हम कहते बाद में जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि हमको अमुक अमुक स्थान जाने बोला, ऐसे ठीक से पूछो ना पूछना भी नहीं आता, इधर से चले जाओ और बाहर मुड़ो किसी भी चले जाओ। अब उसने जो हमको बताया इधर से चले जाओ बाहर मुड़ो, ये हम मार्ग कब स्वीकार करेंगे, जब हमारे मन में ये श्रद्धा होगी कि इसने जो बताया है वो ठीक है तभी तो होगा ना। इसी प्रकार से शास्त्रों ने और आचार्य ने जो हमको शास्त्र सम्मत ज्ञान दिया है वह सत्य है, ये स्वीकारने की जो आंतरिक क्षमता है इस क्षमता को कहते हैं श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति कोई भी कार्य जगत में नहीं करता। नाई के पास चले जाते हैं, उनकी आंतरिक शक्ति है श्रद्धा, क्योंकि उसके हाथ में जुबिलर वैन दे दी। एक नाई की दुकान में 3,000 लोगों को वाइट वॉश करके आधा आधा करके रख दिया था कि बाद में जा। तो फिर उसका लड़का आया छोटा सा 10-12 साल का, पापा पापा आप क्या बेटा आप अकेले काम कर रहे हैं, मैं मदद करूं, यहाँ करो उसे मसाला दिया। बोले धीरे से बेटा वो सारा बड़ा तेज है, कई हाथ काट कर देना। तो जब हम वहां जाते हैं तो केवल श्रद्धा के संबल पर कि ये केवल शिव करेगा काटेगा नहीं, जीवन में श्रद्धा ही हमको आगे चलाती है, नहीं तो कभी। इसीलिए शास्त्रों में और आचार्य ने जो बताया है वो सत्य है, इस प्रकार की जो सत्य बुद्धि है उसको कहते हैं श्रद्धा। और कितई काव्यम तो संलक्ष्य समाधान मिति सुरतम, और उसके बाद ये 5 बातें जब हो गई, क्षमा दम उपरति श्रद्धा दीक्षा, 5 बातें यदि जीवन में आ गई तो उसके पश्चात जो मन की स्थिति है उस मन के स्थिति को समाधान कहते हैं। स्वास्थ्य किसको कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं कि जब आपने ठीक से खाना खाया, ठीक से सोए, ठीक से जगे, ठीक से एक्सरसाइज किया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो आपके फिजियोलॉजिकल नॉर्म्स परफेक्टली नॉर्मल हो गए
तब हमको बताएंगे कि आप अब नॉर्मल हो। इसी प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य वो समाधान है। अब मन में कोई विकार नहीं है, मन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। इस प्रकार से चित्तई काव्यम तो संलक्ष्य, जिसका मन जगत के कारण प्रभावित नहीं होता उसी का मन आध्यात्मिक साधना में लग सकता है। तो कई बार हम जाते हैं लोगों के यहाँ, तो उनका छोटा सा बच्चा होता है, वो बच्चे को बताते बेटा स्वामी जी को नमस्कार करो। वो बच्चा ऐसा बिगड़ा हुआ होता है कि किसी की बात नहीं है, और मैं नहीं करूंगा, नहीं बेटा नमस्कार करो, देखो स्वामी जी आए अपने घर में, नहीं मैं नहीं करूंगा। वो बच्चा हमारी एक बात नहीं मानता, उसके माध्यम से तुम्हें काम करवा सकते हैं क्या? यही स्थिति अपने मन की है। हमारा मन हमारी एक बात नहीं मानता, 15 मिनट जब करेंगे क्या करेंगे, क्या होता है जब हमने देख लिया सब जब हुए नहीं होता, नहीं जब अच्छा ठीक है। इनके जब करने से भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो रहा है। इसीलिए अपना मन तत्व में नहीं लगता, इसका एक ही कारण है कि उस मन को हमने नियंत्रण में नहीं लाया। जैसे डॉक्टर लोग जब ऑपरेशन करते हैं तो पहली बात क्या करते हैं, उसको नियंत्रण में लाते हैं। इसी प्रकार से क्षमा नमो उपरति श्रद्धा दीक्षा, इसके द्वारा मन को निरंतर मिले आए। और फिर चित्त एकाग्रत को संलक्ष्य, फिर ऐसा जो मन है उसको तत्व में एकाग्रता से लगाना। तत्व को एकाग्रता से लगाना का तात्पर्य क्या है, अपनी अनुभूति में हरेक अनुभूति में तत्व का दर्शन होता है, हरेक अनुभूति। एक भी ऐसा अनुभव नहीं है कि जिसमें तत्व प्रकट नहीं हो। ये जब होने लग जाता है ना, तब हमारे अंतकरण की एकाग्रता पक्की हो गई। इस बात को तुलसीदास जी कहते हैं ना कि लोभी ही प्रिय जीविका, जो लोभी व्यक्ति होता है उसको हर चीज में पैसा ही नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। एक हमारे दोस्त, उसके बच्चा हमारे साथ आया, हम रह गए, ऑर्डर किया डोसा खाने के लिए। उसने कहा कि स्वामी जी अभी पापा आएंगे डांटेंगे आपको भी मुझे भी, इतना महंगा डोसा क्यों ले लिया, इतने रुपए में से तो पूरे कस्बे को खाना खिला सकते हैं। 30-40 हजार रुपए देने के बाद खा तो शुरू तू कर दे पापा, तू भी नहीं खा। और जैसे हम बैठे खा रहे थे कितने में मजाक आ गई, सरदार जी थे फायदे में। और आने के पश्चात फिर पहला वाक्य वही कहा जो उनके पुत्र ने कहा, इतना महंगा तो क्यों मंगाया, 25 रुपए ये तो लूट लेते हैं। केवल पैसा ही उनके जीवन में सब। एक जगह बद्रीनाथ की बात, हम लोग दर्शन करके आए और वहां होटल है काफी, तो होटल में खाना खाना है क्या करना है, तो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, नाम साउथ इंडियन होगा लेकिन है सब पंजाबी, तो वहां के रेट बहुत ज्यादा है। डोसा नॉर्मली समझो मुझे पता नहीं क्या रेट होते, समझो 10 रुपए का होगा, तो वहां 80 रुपए 100 रुपए। हमारे साथ एक दक्षिणी थे, तो स्वामी जी ये लोग तो लूट रहे हैं। हमने कहा देखो इनको बोलो, ये मालिक है मालिक, उन्होंने जाके कहा कि आप लोग क्यों लूटते हो इतना। कहा देखो जी हम यहाँ यात्रा करने नहीं आए, बिजनेस करने आए, कितनी पक्की बात, हम यात्रा करने आए हो, आपको हमें भगवान ने कहा है, आपका तो पैसे में है, आपसे तो हम अच्छे हैं, क्या पैसे कमाने के लिए आए हैं और पैसे कमा रहे हैं। मन कहाँ है हमारा, हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और पंडितों से झगड़ा कर लेते हैं,
हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं वहाँ की गंदगी को लेकर के दूसरे के हाथ में झाड़ू देते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना मन प्रभु चरणों से ना हटना, इसको कहते हैं समाधानम, सम्यक आधानम। हमें योग्य प्रकार से अपने मन को योग्य स्थिति में योग्य कार्य के लिए नियुक्त किया है, उसको कहते हैं। एक बार एक कोई अम्मा थी यूएसए की, बात कई सत्संग प्रसन्नती होगी जो भी होगी, एक बार किसी के आगे वहां भी आई थी, बोले स्वामी जी मैं आपके बड़ी पुरानी फैन हूँ और मैं हमेशा आपको सुनती हूँ, कभी भी मौका नहीं आया आपसे प्रसन्न बात, बहुत बढ़िया बात है, मैं अच्छा सुनी था। ये बोले स्वामी जी मुझे मालूम है आपका क्या अच्छा लगता है, बोले मुझे मालूम भी नहीं, जानने की इच्छा नहीं। बोले नहीं, आप जब हाथ ऐसा करते हो तब आपकी हाथों की जो उंगलियां है मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि इन उंगलियों को मैं कभी स्पर्श करूंगी, लड़ी हो ठीक लगाए हो गया सर। आप सत्संग सुनने के लिए आए कि उंगलियां करने के लिए आए? हमारा मन जो है ना ऐसा भटकता है यहाँ से वहां, और जब तक ये मनीरा भटकेंगे तब तक के हम अपने आप से परेशान होते हैं। हर एक व्यक्ति दुनिया में केवल अपने ही कारण परेशान होता है, अन्य के कारण परेशान नहीं होता। और ये जितने डिप्रेशन में जाने वाले महाभाव होते हैं उनको यही लगता है कि मेरे दुख का कारण अन्य है, कोई किसी के कारण नहीं होता, व्यक्ति स्वयं के कारण सबसे ज्यादा दुखी। अच्छा, विवेक हो गया, वैराग्य हो गया, शमानी सड़क होगी। अब चतुर्थ जो साधना चतुष्टय है वो है मोक्षता, जिसको कहते हैं संसार बंध मुक्ति ही गतम में स्यात् कदा विभो इतिहास दृढ़ा बुद्धि ही जब यह सुदृढ़ बुद्धि ही, जब हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास हो जाता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है, क्या संसार बंध निरुक्ति कथम में स्यात्, मैं इस संसार से कैसे मुक्त हो पाऊंगा और कदा स्यात्, कब हो जाऊंगा, कैसे और कब। अब सवाल यह है हमको तो हम संसार में है, बंधन लग ही नहीं रहा, तो मुक्ति का चक्कर कहाँ है। तो जब व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न भी नहीं आता तो आदमी संसार में बड़ा फंसा रहता है। ये मालूम है कैसे, उदाहरण से लो, जब आपका कोई सपना बहुत बढ़िया चल रहा हो, क्या आप कहीं गए हो कार में बैठे हो और आपकी पत्नी या अपने पति ने आदमी सपने में तो छोड़ो दूसरा, कोई आपकी फ्रेंड आपके साथ जा रही हो और बढ़िया आइसक्रीम है, ये है, कार जा रही है और बड़ा आनंद है, ऐसा सपना मिलेगा छोड़ो। और किसी सपने में एक कष्ट की एक्सीडेंट से सपना टूट गया। इसी प्रकार से दुनिया में जब तक के सब ठीक ठाक चलता है भगवान हो गए, बुढ़ापे के लिए जवान की तो भगवान की कोई जरूरत। एक दिन ऐसा झटका लगता है लाइफ में, ऐसे झटका लगा फिर यह जो जागृत सपना है जागृत सपना अब टूटने लग जाता है, अब जी के क्या करेंगे। अब ये होने के पश्चात दो मार्ग होते हैं, या तो मधुक्षर सिंधव मधु माता अवतारते, मधु ब्राह्मण में प्रवेश करते हैं,
मधु ब्राह्मण भी बृहदारण्य उपनिषद का एक प्रसंग है जिसमें परमात्मा का मधु नाम से वर्णन किया है। तो जो इस दुनिया में एक हाथ कस के झटका खाया है या तो वो मधु ब्राह्मण में प्रवेश करता है या मधुशाला में प्रवेश करता है। गंगा दास करेंगे या तो देवदास करेंगे। मूर्खता माने पहले तो हमको ये अवेयर होना है कि कब तक के यही तमाकू यही जीना यही उठना यही सोना, कुछ जीवन में कुछ और है कि नहीं। सस्य मिव मर्त्य हाँ पच्यते सस्य मिवा जायते, घास की तरह से हम उगे और घास की तरह ही मर जाएंगे, यही जीवन है, कुछ और है कि नहीं जीवन हमारा। कैसे कई नहीं आती दूसरी चीज, कई खाना वही कपड़े धोना वही रहना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये जीवन का एक मार्ग है, लक्ष्य कुछ और ही है। भगवान शंकराचार्य का जो एक सबसे सुंदर ग्रंथ है उस ग्रंथ का मूल तत्व यही है, इसको कोई नहीं बताएंगे आप। ग्रंथ बड़ा सिंपल है, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुग्रुम करने। अब इसका अर्थ क्या है, दुग्रुम करने माने भाषा, भाषा यह साधन है विचारों के आदान प्रदान का और साध्य है विचार। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है ये साधन है, ये साध्य नहीं हो सकता, पैसा साधन है ये साध्य नहीं हो सकता, लेकिन पूरा जीवन केवल पैसा कमाना इकट्ठा करना भोग यह साधन है, साध्य है जीवन की तृप्ति, लेकिन तृप्ति हमको मिलती नहीं, जितना भोग करते जाएंगे उतना भोग में और लिप्त हो जाएंगे। धर्म यह साधन है, पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये साध्य नहीं है। धर्म से विरति, यदि धर्म को साधन बनाया तो अंतकरण में वैराग्य का निर्माण होना है, ये साध्य है, और वैराग्य भी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। वैराग्य के साथ ही हृदय में विवेक प्रकट हो जाता है और विवेक के द्वारा फिर अपना स्वरूप क्या है, कस्त्वं कोऽहं कृतमायातः कामे जननी को मे कातः इति परिभावय सर्वं असारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदं भज गोविंदं। ये है साधन साध्य के, इसीलिए यहां कहते हैं कि संसार बंध मुक्ति कथम इस जगत में, क्या मैं पैसे कमाने के लिए ही आया हूँ, भोग के लिए ही आया हूँ, धर्म अधर्म करने के लिए आया हूँ, या जीवन का लक्ष्य क्या है। इसलिए जब ये विचार मन में प्रकट होने लग जाता है ना, तब समझ लेना अब भगवान की बड़ी कृपा है। और ऐसा व्यक्ति जगत से विपरीत होता है, समझदारी के साथ। जगत से उपरा होने के दो प्रकार है, एक है डिस्पैशन, दूसरा है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन में जाते हैं उनको भी अब मेरा मन किसी भी नहीं करता, आप ठीक है क्या करें, किसे हाँ तीन टाइम खाना ठीक से खा लेते, बाकी कोई काम डिप्रेशन इज नॉट डिस्पैशन। इसीलिए जीवन में प्रसन्नता आत्मनेव आत्मना तुष्टः, वैराग्य के साथ संतोष जब होता है तब हमारी समझ ठीक रहती। तो संसार बंध मुक्ति कथम ये स्यात् कदा विभो, कदा का तात्पर्य है ये कब होगा, माने ध्यान से सुनना, हमको इसकी अर्जेंसी मालूम चाहिए,
वी मस्ट बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन दिस पार्ट। तो साधु संतों में और हम लोगों में फर्क क्या है? हम लोग अपना संसार जीने के लिए स्वयं प्रयत्न करते हैं और अपनी साधना भगवान के हाथ छोड़ देते हैं। भगवान की जब इच्छा होगी तब वो करवा देगा। और साधु संत जो होते हैं अपना संसार भगवान के हाथ पर छोड़ देते हैं और अपनी साधना स्वयं। इसीलिए ये दो बातें हृदय में प्रकट हो जाती है, इति या सुदृढ़ बुद्धि ही, इसके सिवा जगत में कुछ नहीं है, बहुत ही ना भी। इस प्रकार से जब हम अपने आप को इस द्वैत के साम्राज्य से हटा करके अद्वैत में सिद्ध होना यही जीवन का लक्ष्य स्वीकार करते हैं, तो उसके पश्चात दान नहीं, धर्म नहीं, तीर्थ नहीं, क्षेत्र नहीं, मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं, केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण। हर एक अनुभूति मेडिटेशन। यदि उस अनुभूति से हम अपने स्वरूप में पहुंच गए और हर एक मेडिटेशन संसार है, जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और परेशान होते हैं, अपने आप में जागते हैं। मेडिटेशन में बैठने के बाद आदमी जितना परेशान होता है ना, उतना चाय पीते समय परेशान नहीं होता। तो चाय पीना इज बेटर मेडिटेशन रादर दैट सिटिंग साइलेंटली एंड सफरिंग क्वाइटली। पश्चात हमको इंक्वायरी शुरू करनी है। मुक्त साधन युक्त विचार पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्धम आत्मना शुभ विक्षता। मुक्त साधन युक्त पुरुषेण विचार हा कर्तव्य, जिसमें ये चार साधन है विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता। ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो व्यक्ति है, अब उसमें विचार हा कर्तव्य, अब उसमें विचार करना प्रारंभ करना है। विचार और विकार दोनों ही देसी, दोनों का स्थान मन में ही है। विकार भी मन में आते हैं और विचार भी मन में आते। विकार यह मन की एनर्जी है और विचार यह मन का स्वास्थ्य है। जैसे कई बार कोई एक खा लो तो पूरा बदन फूल जाता है। हम कहेंगे अरे यार ये हमेशा खाया करो तुम मोटे बन गए। नहीं, वो एनर्जी से मोटे हो गए, उसमें शक्ति नहीं है। इसी प्रकार से जगत के विषयों को देख करके जब मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि विकार निर्माण होते हैं और जगत के ये विषय जो है शब्द स्पर्श रूप गंध, इनको ग्रहण करने के बाद जब विचार शुरू हो जाता है तब ये समझ में आता है कि आनंद विषयों से नहीं है। जब हमारा मन निर्विचार हो जाता है तो निर्विचार हृदय में प्रकट होने वाली अनुभूति को आनंद कहते हैं। जिसको हम विषयानंद कहते हैं वो वास्तविक देखा जाए तो वह ब्रह्मानंद ही होता है। इसको कहते हैं विचार। जब हमको किसी विषय की इच्छा हो गई, अमुक अमुक वस्तु चाहिए, ये विकार है। चाह यह आह का चंदन ढका हुआ रूप, भगवान ने आह निर्माण करी, आह माने कर्ष, आह निर्माण करी और दे दिया। घूम घाम के आह वापस आ गए, पापा पापा नोबडी वांट मी, मैं क्या करूं, अब किसको चाहिए कर्ष, ये आह वापस गए। अब भगवान क्या करे, मैंने पैदा करे, क्या करूं, कैसे करना बेटा, क्या चंदन पहन के चले जाना, का पहन लिया और चली गई। तो आह पर
चद्दर चढ़ा तो क्या हो जाएगा, चाह। और जब चाह पैदा हो गई सब उसको चाहने लगे और उसी में आदमी पगला गया। इसीलिए महाराज जब मन में कोई इच्छा निर्माण होती है तो विक्षेप ही विक्षेप, और जिस वस्तु की इच्छा हो गई वो वस्तु प्राप्त हो गई तो थोड़े क्षण के लिए मन के विक्षेप समाप्त हो गए। विक्षेप रहित मन में ही जो अनुभूति है उसको कहते हैं आनंद। आनंद विषय से नहीं आया, मन से ही प्रकट हुआ। तो यह आनंद जो मन में है वो प्रकट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर में विचारों का नहीं बल्कि विकारों का साम्राज्य। तो जिन विकारों को लेकर के हम विचार करना प्रारंभ कर देते हैं तब जाकर के हमने अध्यात्म में योग की दिशा में प्रवेश किया। उक्त साधन युक्तेन विचारः पुरुषेण ही कर्तव्यः ज्ञान सिद्ध्यर्थम्। इसका कारण क्या क्या प्रयोजन है, ज्ञान सिद्ध्यर्थम्। हमको ये समझ आनी है कि हम जो जगत में जी रहे हैं क्या समझदारी से जी रहे हैं कि मैकेनिकली जी रहे हैं। आप देखेंगे जहां भीड़ भड़का होता है ना वहां का एक ट्यून आपको हमेशा दिखेगा, वो ट्यून ये है आप ऐसा करो तो आपकी सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। माने इच्छाओं को पूरा करना यही अध्यात्म बन गया। फिर अमुक मंदिर में चले जाओ और अमुक पूजा करो तो इच्छा पूरी हो गई। धीरे धीरे हमारे मन को हमने ट्रेन कर लिया है इच्छा को पूरा करना यही अध्यात्म। इसलिए ज्ञान सिद्ध्यर्थम् हमको ये समझ आनी है। इसलिए आत्मनः शुभम इच्छता, यदि हम अपना भला करना चाहते हैं योग्य विचार, और विचार वही है जो हमको अपने स्वरूप में वापस लौट देना है। घर किसको कहते हैं, जहां हम वापस लौट के आना चाहते उसको घर। उसी प्रकार से हम कहां वापस लौट के आना चाहते हैं, अपने आप। इसीलिए जब विकारों से परेशान हो गए माने बाहर भटक रहे तो फिर हम कोई दारू दवाई करेंगे या नींद लेकर नींद करके एकदम सो गए तो माने क्या किया, हम अपने घर वापस लौट आए। थकावट के कारण, दारू दवाई के कारण और सोने के कारण जब हम वापस आ जाते हैं, यह स्थिति जब जागृत अवस्था में सहज रहती है तब हम विचार प्रधान रहते हैं, नहीं तो विकार प्रधान। विकारी पुरुष कभी भी अपने साथ नहीं रहता, वो भटकता रहता है। या तो फिर बच्चों के विचार हो गए तो बच्चा ऐसा उसको ऐसा करना ये करना, फिर कोई ये दुनिया भर में भटकने इसके ऊपर में एकदम पूरा जागृत हो। इतना हम भटकते हैं और भटकते कैसे है, केवल मन के द्वारा। इसीलिए संतो इधर केवल ध्यान देना, जितनी आध्यात्मिक साधना है ये मन के ऊपर कार्य करना, मन से नहीं करना। मन से करना ये हो गया आपका कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। मन के ऊपर कार्य करना है ये हो गया ज्ञान। और यही कर्म भक्ति योग यह ज्ञान मार्ग का अंग बन जाता है। तब योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कर्म का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि होगी तो वह कर्म एक साधना बन जाता है, और कर्म के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो वही कर्म एक संसार बन जाता है। उसी प्रकार से योग के द्वारा अनेक सिद्धियां प्रकट करनी है या एक इंस्टीट्यूशन खोल करके लोगों को बेवकूफ बनाना है तो वो योगा बन जाता है बिजनेस।
इट इज नो मोर योग। इसी प्रकार से भक्ति का तात्पर्य लोगों को बेवकूफ बना करके घंटियां लगवा करके पैसा इकट्ठा करना, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है। भक्ति में जब मैं गायब हो जाता है तभी भक्ति प्रकट हो गई। इस प्रकार से जब हम अपने मन के ऊपर कार्यरत रहते हैं तब कर्म भी ज्ञान बन जाता है, योग भी ज्ञान बन जाता है, भक्ति भी ज्ञान बन जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान अपने मन की तरफ है, दुनिया की तरफ है। कर्तव्य ज्ञान सिद्धार्थम आत्मना शुभम इच्छा। हम अपना जब भला करना चाहेंगे तब हम विचार करेंगे, जब हम अपना सत्यानाश करना चाहेंगे तो विकारों की शिकार हो जाएंगे। कैसे विकारों के शिकार होते हम ये कल्पना करते हैं। एक वृंदावन की बात है, एक महात्मा जी के पास एक अम्मा गई और उनके नजर लगे, महाराज जी वो जो आदमी है ना सत्संग में जब आता है ना हमेशा मेरे तरफ ही देखते रहे। तो महात्मा जी ने हंस दी, आप क्यों हंस रहे, जब शोक होता है तो हंसना चाहिए ना, तो इसमें क्या शोक हो गया। वो आदमी हमेशा आप ही की तरफ देखते रहता है कि जब तक आप हमेशा उसी की तरफ देखते रहेंगे तभी तो पता चले। अपनी ही मन की कल्पना होगी,